उधर जयपुर में लूट और मर्डर की वारदात से सनसनी फैल गई। दरअसल मानसरोवर के भृगुपथ की ये वारदात है, जहां पर लुटेरे बीती रात जनार्दन बिसारिया के घर में घुसे और पीट पीट कर बुजुर्ग पुष्पा बिसारिया की हत्या कर दी। साथ ही उनकी पोती के साथ भी मारपीट की गई और लूटपाट कर ये बदमाश फरार हो गए। बता दें कि पुष्पा बिसारिया एडिशनल SP संजीव भटनागर की सास थी और संजीव भटनागर का घर इनके घर के करीब है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। और हमारे साथ राम स्वरूप हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। राम, ये काफी दिल दहला देने वाला पूरा मामला है, जहां एक एक कर कई ऐसी वारदातें हुई और एक महिला की पीट पीट कर हत्या कर दी गई, लूटपाट की गई, और ऐसे संवेदनशील इलाके में। बिल्कुल, बेहद संगीन वारदात जयपुर में उन्होंने की है। और सबसे बड़ी बात यह कि जयपुर की एक ये VIP कॉलोनी है, यानी कि जिस कॉलोनी में मैं खड़ा हूँ, जिस कॉलोनी में वारदात हुई है, वहाँ पर अमूमन जो है न्यायाधीशों के मकान हैं और बड़े जो अधिकारी हैं उनके मकान हैं। उन मकानों के बीच में जो है एक मकान उन्हीं का है जहाँ पर ये वारदात हुई है। सबसे बड़ी बात यह है, और उसमें पुलिस का बड़ा जो फेलियर है वो इसमें देखने को मिला है कि जो बदमाश यहाँ पर आए हैं, उन्होंने इस मकान में वारदात करने से पहले दो और मकानों में उन्होंने घुसने की कोशिश की है। एक पूर्व मंत्री हीरालाल इंदौरा है, उनके मकान में घुसने की कोशिश की है, और एक और कोई न्यायाधीश है मीना, उनके मकान में घुसने की कोशिश की है। उन दोनों मकानों में वो प्रवेश कर चुके थे, खिड़कियां तोड़ने के प्रयास वहां पर किए गए थे, लेकिन मकानों में जब जाग हो गई थी तो वो वहां से भागे। जरा ये भी बताइए कि जो ये इलाका है VIP इलाका है, ऐसे में किस तरह की सुरक्षा यहाँ होती है, क्योंकि इन घरों में अपने ही सुरक्षा कर्मी काफी होते हैं, ऐसे में कितनी आसानी से बदमाश तीन घरों में रेकी करते हैं। बिल्कुल, बेहद पुलिस की इस कार्य प्रणाली पर बड़ा सवाल उठता है, क्योंकि जब 12 बजे बाकी अन्य दो मकानों में घुसने का प्रयास किया था तो वहाँ के लोगों ने जो है पुलिस को सूचना दे दी गई थी। पुलिस की दो जीपें इस कॉलोनी में अलग अलग गलियों में घूमती रही बदमाशों को ढूंढने के लिए, लेकिन पुलिस उन्हें नहीं ढूंढ पाई। हो सकता वो कहीं झाड़ियों में या किसी के मकान पर छत में या अलग हुई पार्क में छुप गए होंगे, लेकिन तीन बदमाश CCTV फुटेज में साफ नजर आ रहे हैं। जो कच्चा बनियान पहने हुए हैं, यानी कि कच्चा बनियान गिरोह के वो सदस्य हैं, उनके पास में हथियार जो है, यानी कि वो नकब पेचकस जो लोहे के जो रॉड होती है वो उनके हाथ में स्पष्ट नजर आ रही है। तो तीन बदमाश, लेकिन राम स्वरूप सबसे अहम बात यह है कि जिस जगह इस वारदात को अंजाम दिया गया है वहीं से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर थाना भी मौजूद है। इतनी बड़ी वारदात का होना और पुलिस को कानो कान खबर तक नहीं। बिल्कुल, पुलिस थाना थोड़ी देर, बिल्कुल ये पुलिस थाना पास में ही है। और दूसरी बड़ी बात है कि पुलिस को सूचना दे दी गई थी कि कुछ बदमाश जो है उस इलाके में घूम रहे हैं, और पुलिस की जो दो गाड़ियां थी वो लगातार इस इलाके में घूम रही थी और बदमाशों को पता भी कर रही थी, लेकिन पुलिस उन्हें ढूंढ नहीं पाई। और उसके बाद में करीब रात को 3 बजे के आसपास जो है उन्होंने यहाँ पर इस वारदात को अंजाम दिया, जहाँ पर इन्होंने जो मकान है संजीव भटनागर जो DCSP है, उनके ससुर का मकान है जनार्दन बिसारिया जी का। जनार्दन जी का निधन हो चुका है करीब 6 महीने पहले, लेकिन उनके परिवार में उनकी पत्नी और उनका एक गोद लिया हुआ बेटा है, वो यहाँ रहते थे। क्या इस दौरान स्थिति थी जब घर में ये बदमाश घुसे, जो उनकी बेटी है उनके साथ भी मारपीट की गई है, उन्होंने कुछ बताया है कैसे ये बदमाश घुसे थे घर में? जी राम सर, जिन घरों में घुसे हैं पूर्व में उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी थी, तो पुलिस की गाड़ियां जो है वो तुरंत आ गई थी, लेकिन वो इस जो कॉलोनी है उस कॉलोनी के आसपास जितनी भी गलियां हैं सब में घूम के उनको तलाश कर रही थी, लेकिन तलाशी में वो बदमाश नहीं मिले हैं। और दूसरी बड़ी बात यह कि वो कच्चा बनियान गिरोह जब आता है तो वो पैदल ही आते हैं और भागते हैं, तो पैदल ही भागते हैं। और आज ये पता चला कि जिस घर में ये संगीन वारदात हुई है लूट और हत्या की, इस मकान में जो नौकर हैं, घरेलू नौकर, उन नौकरों की दो साइकिलें जो है वो यहाँ पर गायब है। और जो CCTV फुटेज सामने आया है उसके बाद पुलिस के अधिकारियों से क्या आपकी बातचीत हो पाई है, कुछ पहचान के लिए क्या आगे कार्रवाई? पहचान व्यक्तिगत तौर पर उनकी नहीं हो पाई है, लेकिन ये पूरा उनको पता चल गया है, और जो सुबह भी बता दिया गया था कि ये कच्चा बनान गिरोह की हरकत है, और पुलिस के सामने वो वारदात की जानकारी पूरी आ गई है। अब पुलिस की जो अलग अलग टीमें हैं वो उस कच्चा बनान गिरोह के बारे में पूरी जानकारी जुटा के उनको गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। कार्रवाई करे राम स्वरूप, क्योंकि ये चिंता में डालने वाला विषय है कि VIP इलाकों में रहने वाले लोग भी अगर सुरक्षित नहीं है तो आम इलाकों का क्या होगा। फिलहाल ये तस्वीरें आप CCTV फुटेज की देख रहे हैं, जहां पर साफ तौर पर ये बदमाश देखे जा सकते हैं, जो कि घर में घुसे, हत्या की, लूट की वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल जांच जारी है।